हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा प्लस पर। मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, बात आज लोअर आपके सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया है। वही उम्मीद जो हम आपको लगातार बता रहे थे, हमारी टीम बता रही थी ऐसा पैटर्न होगा, वही पैटर्न आपके सामने आ चुका है। प्रीलिम्स और मेंस पहले ही आयोग डिफाइन कर चुका था कि दो स्टेज में परीक्षा होगी, दोनों के लिए उसने सिलेबस जारी किया है। क्या होगी प्रीलिम्स में, क्या होगी मेंस में, आइए बात करते हैं, डालते हैं एक नजर। प्रीलिम्स की परीक्षा में आपके पांच सब्जेक्ट मुख्य रूप से उसने इन्वॉल्व किए हैं। क्या क्या है? रीजनिंग पहला आपका इसमें है टॉपिक, जिसमें 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के हैं, यानी एक क्वेश्चन दो नंबर का किया है। दूसरी चीज, क्या बदलाव किया, बहुत अच्छा बदलाव, वो ये रहा कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो गई। दिमाग में एकदम आपको फिट कर लेना है, अभी तक 50% जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो गई। दूसरा इसमें इन्वॉल्व किया जनरल स्टडीज का, जिसके 50 क्वेश्चन है, ये 100 नंबर के हैं। तीसरी जो सब्जेक्ट है, जो मैथ और साइंस मिला के एक साथ कंबाइन किया, ये 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर के। चौथा जो हिंदी है, ये 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर के। यानी जो कुछ देखने को आपको मिल रहा है लोअर टू का सिलेबस, जैसा कि इससे पहले आयोग ने करवाया था, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट ये चल रही थी आयोग के अंदर की लोअर टू पैटर्न होगा। उसने किया क्या बदलाव, थोड़ा सा मैथ और साइंस लोअर टू में आपको ध्यान होगा, जो 75 क्वेश्चन होते थे उसको यहां पर 50 क्वेश्चन किया है, यानी 100 नंबर टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं इन चारों आपके पांचों सब्जेक्ट से, ये 150 आपके क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स के स्टेज में, और इनके लिए कुल मार्क्स आपका 300 नंबर होगा। 300 नंबर पर आपको प्रीलिम्स की मेरिट बननी है, और इसमें सबसे बढ़िया है कि 25 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग और 25 आपकी हिंदी इन्वॉल्व है। दूसरी बात करें, जो इसने मेंस के लिए आपका सिलेबस दिया है, ये तो जो प्रीलिम्स है इसमें केवल एक पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर और गलत होने पर 1/4 आपके वो वहां से माइनस किए जाएंगे। अगली चीज, अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें, मेंस में 2 पेपर होने जा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 इसने नाम दिया है। पेपर 1 जो होने जा रहा है, पेपर 1 में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज के आपके 75 क्वेश्चन, यानी दोनों मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। वही निगेटिव मार्किंग जो प्रीलिम्स में है वही आपके मेंस में भी होने जा रही है। दूसरी चीज, जो पेपर 2 आयोग ने दिया है अपनी इस सिलेबस में, इसमें साइंस और मैथ के 75 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं और हिंदी के केवल 25 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन यहां से भी हैं, यानी 200 आपको क्वेश्चन मेंस में सॉल्व करने हैं, जो आपके 400 नंबर बनेंगे। वही पॉजिटिव मार्क्स है, वही नेगेटिव मार्किंग है। जो इसने आपका इसमें प्रीलिम्स वाला रहा, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार अभी तक हम जो टेस्ट सीरीज करवा रहे, 150 क्वेश्चन करवा रहे, हमें यह अंदाजा था कहीं ना कहीं कि आयोग लोअर टू के सिलेबस को फिर से अपना रहा। लोअर टू में बस जो ये हिंदी थी या पेपर 2 के नाम से आती थी, लेकिन इसमें इसने किया क्या कि जो मैथ और साइंस के क्वेश्चन होते थे 75, इसको 50 किया और उसकी जगह पर हिंदी को इसमें इन्वॉल्व किया, यानी 150 क्वेश्चन हमारे 300 नंबर। माइंड सेट कर लीजिए, लक्ष्य एकदम फोकस हो जाइए, परीक्षा 14 से 15 सितंबर ही होनी है। अब हम थोड़ा सा बात करें कि इसमें रीजनिंग और जनरल स्टडीज में क्या क्या पूछेगा। तो प्रीलिम्स में इसने जो दे रखा है, प्रीलिम्स में इसने सबसे पहले दिया है कि आपकी वर्बल और नॉन वर्बल, ये तो रीजनिंग आपकी जैसे कि होती है लगातार, यूपी ट्रिपल एससी जो पैटर्न पूछ रहा है, हमने आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया, उसमें भी मैंने पूरा का पूरा उसमें दिया हुआ है जितना यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा, यानी रामबाण है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। जो मटेरियल रीजनिंग का आपको आज दिया गया है वो एकदम 100% रामबाण है, उसी पर आप लगातार फोकस रहे, उसका सलूशन जल्द ही आपको पूरा मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज हमारी लगातार चल रही है, उसमें आप लगातार दे रहे होंगे तो आपको ये फीलिंग्स आ रही होंगी कि आयोग क्या पूछ रहा है, टेस्ट सीरीज हमारी क्या है। दूसरी चीज, इसमें बात करें जीएस की, तो जीएस में कंप्यूटर ज्ञान सबसे पहले जुड़ा है, जो आज तक आयोग का लगातार यूपी ट्रिपल एससी का पूछने वाला रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन हर उसमें आए हैं। दूसरी चीज, इसमें उत्तर प्रदेश पर आधारित विशेष ज्ञान से संबंधित सवाल जीएस में आपके जो है इंक्लूड करेगा, इसने सिलेबस के रूप में मेंशन कर रखा है। तीसरी चीज, इसमें अंतरवैयक्तिक क्षमता, ठीक है, जो इंटरपर्सनल स्किल होती है, इससे सवाल लगातार पूछता है, यानी आपके व्यक्तिगत निर्णय क्या होंगे, कोई कार्य योजना देता है उस पर सरकार का पक्ष क्या होना चाहिए, ऐसे जो सवाल लगातार यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है उसको भी इन्वॉल्व किया है। चौथी चीज, अगर इसमें बात करें तो सामान्य मानव व्यवहार, अनुशासन क्या होनी चाहिए, नैतिकता क्या होना चाहिए, अनुपालन क्या होना चाहिए, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगली बात, भारत का इतिहास और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं, यानी भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से पॉइंट किया है, दोनों से अच्छे सवाल होंगे। उसके बाद इसने क्या किया है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्षों की आपको कहीं ना कहीं विवेचना करनी है, उससे संबंधित सवाल होंगे, किसके, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। वहीं आगे हम बात करें, भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल होंगे, भारत एवं विश्व का जो भौतिक भूगोल होता है या सामाजिक या आर्थिक भूगोल, इससे सवाल उठाए जाएंगे, जाहिर सी बात है इसमें विश्व भूगोल कम होते हैं, ठीक है।
स्टैटिक जीके जिसको हम कहते हैं उससे संबंधित विश्व भूगोल से सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि भारत के भूगोल से अच्छे सवाल डाले जाते हैं। अगली चीज बात करें तो भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकतंत्रात्मक प्रणाली, इन सारी संबंधित सारे पॉइंट्स को दे रखा है, यानी पॉलिटी के तौर पर आपसे इनसे सवाल पूछेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसने दे रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास एवं गांधी विचारधारा से अभ्यर्थियों से सवाल पूछे जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं जो गांधी नहीं रहा है ये आपको थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ना है, थोड़ा सा तैयार करना है, जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें रिवाइज देना है। उसके बाद अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान की, हालांकि इसमें एक पॉइंट और इन्वॉल्व किया है जो एग्रीकल्चर, लगातार इसने इससे पहले भी अपने विषयों के रूप में सामान्य ज्ञान में इंक्लूड किया था, उससे संबंधित हमने टेस्ट में भी आपको सवाल दिए हैं, आपने देखा होगा जो पैटर्न रहा है, जो UPSC पूछ रहा है उसी बेसिस पर हमारा टेस्ट भी था। आगे हम बात करें, अगर इसकी बात करें सामान्य विज्ञान एवं अंकगणित की, तो सामान्य विज्ञान में तीन के तीनों पोर्शन, पहला तो आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन और तीसरा जीव विज्ञान से संबंधित सवाल ये पूछता है, यानी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर दिन हम कक्षा 10 के स्तर तक पढ़े हैं, वहीं सवाल आपसे इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरी चीज अगर इसमें बात करें तो बीमारियों से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित, ठीक है, फसलों में जो आपके रोग वगैरह लगते हैं, विटामिन से संबंधित रोग, तमाम ऐसे विषाणु जीवाणु, इन सारे संबंधित रोगों के बारे में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगली चीज अगर हम बात करें इसमें प्रारंभिक गणित जो आएगी ये कहां तक, कक्षा 10 स्तर तक, ठीक है, 10th के लेवल की, यानी है आप सभी दिमाग में बना लीजिए कि 10वीं स्तर से ऊपर की अंकगणित नहीं आएगी, और साथ ही साथ इसमें अंकगणित, बीजगणित यानी जिसको अलजेब्रा कहते हैं, और ज्योमेट्री तीनों इंक्लूड है, यह ध्यान रखना है, यानी रेखागणित, अंकगणित और आपका बीजगणित तीनों आना है 10वीं स्तर तक, इसने मेंशन कर रखा है और उसी से सवाल भी पूछे गए हैं। आगे हम बात करें सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी में सबसे पहला ये आपसे पूछेगा, ये गद्यांश देगा, गद्यांश से 4 या 5 क्वेश्चन होंगे जो सीधा सीधा गद्यांश से मैं पकड़ के करना है, 25 क्वेश्चन आने हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं हटाएगा, यानी गद्यांश से हमें 4 से 5 क्वेश्चन मिलने हैं, 3 भी आ सकते हैं, 3 से 5 के बीच में हमेशा गद्यांश आज तक रहा है। उसके बाद दूसरा जो इसने पत्र फिर से इंक्लूड कर दिया, मैंने बार बार आपको बताया जब मैंने पत्र भी पढ़ाया है पूरी डिटेल जितना इसमें मेंशन किया है, शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक पत्र और आपके परिपत्र और अधिसूचना, इनसे संबंधित सवाल मैंने आपको वीडियो बता मैंने दिया है वीडियो, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, इनसे संबंधित जितने सवाल हैं सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। दूसरा पत्र हो गया, तीसरा इसने वर्णमाला, जो बार बार मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि वर्णमाला जरूरी पार्ट है, UPSC का कोई भी एग्जाम होगा वर्णमाला जरूर इंक्लूड करेगा। अगली चीज इसमें बात करें शब्द रचना के बारे में इसने पूछा है, ठीक है, शब्द रचना में संधि के बारे में, विच्छेद से कैसे शब्द बनते हैं, समास से कैसे बनते हैं, ये सारे पॉइंट्स इसने हिंदी में इंक्लूड किए हैं। आगे बात करें तो शब्द के प्रकार को आपको जानना है कि तत्सम, अर्थतत्सम, यानी अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के आपके शब्द होते हैं, ये सारी चीजें जो है इंक्लूड की है। पर्यायवाची शब्द और इन सबसे सवाल होंगे, शब्द शुद्धि से सवाल होंगे, व्याकरणिक कोटियों से सवाल, वही चीज जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, व्याकरणिक कोटियां आपकी 8 प्रकार की हैं, 8 प्रकार आप पढ़ लीजिए, जो UPSC के मंडी परिषद में सिलेबस था लगभग सिलेबस हमें वही देखने को मिल रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा वही सिलेबस लगभग आ चुका है अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक चेंज किया है, हिंदी भाषा या साहित्य का ज्ञान, यानी साहित्य से सवाल इसमें स्पेशली डालेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि साहित्य से संबंधित आपके सवाल आने ही आने हैं। अगली बात करें इसमें हिंदी के अलावा जिन लोगों ने उर्दू चूज किया होगा उनके लिए उर्दू से संबंधित सवाल है, बाकी अन्य चीजें इसके बारे में तमाम स्ट्रेटजी, रणनीति सब कुछ हम बात करेंगे इसके जस्ट अगले पार्ट में। इस वीडियो को अच्छे से आप देखिए, अच्छे से अपनी रणनीति बनाइए, जो आपको कोई भी दिक्कत लग रही है नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर डायरेक्ट कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कोई भी समस्या है टेस्ट सीरीज से संबंधित, आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही सीधा कॉल करिए, ठीक है, और जो भी हमारी टीम से मदद आपको चाहिए वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लगातार हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।